भारत के 29th आर्मी चीफ, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की, जो 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी के सेना प्रमुख के पद को संभालेंगे। मनोज पांडे इंडियन आर्मी का पहला सेना प्रमुख होने वाला है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है। इंडियन आर्मी के चीफ पोजीशन पर पहुंचने वाले वो पहले इंजीनियर होंगे। आज तक इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी के अधिकारी ही इंडियन चीफ बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले फौजी बैठेंगे आर्मी चीफ के पद पर। मनोज पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी के 1982 बैच में पास आउट हैं। अपने जिंदगी के 39 इयर्स इन्होंने इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। इस देश के लिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मनोज पांडे जी चाइना, सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर कई ऑपरेशंस को लीड कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार एक बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था जिनका नाम था ऑपरेशन पराक्रम, और इस ऑपरेशन पराक्रम को लीड करने वाले थे मनोज पांडे सर जी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मनोज पांडे सर को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। एंड डिफेंस चैनल की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।